एक डिमांड शिक्षकों की बहुत ज़्यादा है कि प्रेरणा पोर्टल पर किसी तरीके से कोई बच्चे को डिलीट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करें, किस प्रकार से DBT को भरें, तो इसके लिए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा क्योंकि इसी पॉइंट को केवल हम कवर करेंगे, किस प्रकार से आपको डिलीट करना है किसी भी स्टूडेंट को। तो उसको या उस स्टूडेंट को डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, या फिर किसी को धोखे से डिलीट यदि हो गया है तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये दोनों पॉइंट्स की आप जानकारी इस वीडियो में प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ पर लिखते हैं prerna.in जो वेबसाइट है, यहाँ पर आप ऊपर देख पा रहे हैं prerna.up.in ये वेबसाइट लिखेंगे और सर्च कर देंगे तो आपके सामने ये पेज आएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में जो ऊपर तीन पैरेलल लाइनें देख पा रहे हैं, समांतर लाइनें, इसको क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे और नीचे इस पर आएंगे आप बैंक अप डेटा अपलोड, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से तीन ऑप्शन खुलेंगे। तो यहाँ से जो आपको क्लिक करना है वो करना है टीचर लॉगिन, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से आप सिलेक्ट या तो इसको कर लें या इसको, किसी को भी कर लें, एक ही पेज खुलेगा। यहाँ पर आप मोबाइल रजिस्टर्ड जो भी है उसको डालें, उसके बाद एक बार वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सेंड OTP का ऑप्शन आ जाएगा, यदि आपका मोबाइल रजिस्टर्ड है सेंट OTP कर दीजिएगा, आपके मोबाइल पर OTP आ जाएगा, उसको आप फिल करिएगा, सबमिट करिएगा और चार बार ओके उसमें आता रहेगा, आप करते रहिएगा, आप सीधे होम पेज पर पहुंच जाएंगे। तो वहीं पर हम पहुंचते हैं, तो अब हम होम पेज पर आएंगे, इस प्रकार से आपको मिलेगा। तो इससे पहले मैं ऑलरेडी दो वीडियो बना चुका हूँ जिनको आप देख सकते हैं, यानी कि DBT से संबंधित जो हमारे वीडियो अभी तक आए, DBT पर हमारे लगभग 3 से 4 वीडियो आ चुके हैं जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा DBT से संबंधित, उसे क्लिक करिएगा, वहाँ से सभी वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि सभी वीडियो वहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। यहाँ पर हम किस प्रकार से किसी बच्चे को डिलीट करना है उसको देखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले नीचे जाना होगा और नीचे आप ये लिखा हुआ देखेंगे स्टूडेंट वेरीफाइड ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन, तो यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे इसको क्लिक करेंगे तो आप सीधे एक इस पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद में आपको सेशन सेलेक्ट करना है, किस सेशन के बच्चों को आपको देखना है, या यहाँ पर देखें टोटल स्टूडेंट आपके में कितने, यहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर सेशन सेलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं और टोटल बच्चे आपके जो भी विद्यालय में वो आ जाएंगे। यहाँ पर 71 हमारे यहाँ शो कर रहे हैं, तो ये देखो 71 सभी बच्चे हैं। अब इनको क्या करना है, आपको हमने बताया डिलीट करना है, या किसी के धोखे से डिलीट हो गए हैं तो उसको क्या करें, तो यहाँ से आप पीछे जाएंगे और पीछे देखेंगे ये ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट डिलीट, यहाँ से स्टूडेंट डिलीट, तो ये सभी स्टूडेंट डिलीट जो लिख करके आ रहे हैं। यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे आपको रीजन सेलेक्ट करना होगा, किस रीजन से आप इस स्टूडेंट को डिलीट करना चाहते हैं, तो इसे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर डुप्लीकेट पंजीकरण, यानी कि डबल दो या दो से अधिक पंजीकरण है उसके कई और विद्यालय में, विद्यालय से स्थानांतरण हो गया तो उसको डिलीट करना है, निवास स्थान से पलायन हो गया है यानी कि कहीं और रहने लगा बच्चा तो आप यहाँ से कर सकते हैं, विद्यालय संचालन बंद हो गया है यानी कि विद्यालय अब ओपन नहीं हो रहा है, खुल नहीं रहा है, विद्यालय संचालन बंद होना, तो ये कोई खास नहीं है, इसमें आप नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कोई विद्यालय है नहीं जो बिल्कुल बंद किया गया हो। इसके बाद स्कूल छोड़कर किसी अन्य प्राइवेट में नामांकन हो गया तो आप इसे, गंभीर दिव्यांग हो गया जिससे वो आ जा नहीं सकता, या एक से अधिक विद्यालय में उसके नामांकन है तब, और आकस्मिक निधन हो गया हो उस स्थिति में। तो अब यहाँ पर दो समस्याएँ आपको लगेंगी, एक तो डुप्लीकेट पंजीकरण और एक आपको यहाँ पर लगेगा एक से अधिक स्कूलों में नामांकन। तो डुप्लीकेट पंजीकरण का मतलब है उसी विद्यालय में दो नाम से या तो इनरोलमेंट हो एक ही विद्यालय में उस स्थिति में, और यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे कि किसी और विद्यालय में नामांकन उसका, तो जो भी रीजन है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने ये सिलेक्ट कर दिया, और कमेंट कोई आप लिखना चाहे तो यहाँ से कमेंट लिख सकते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर जो क्लिक है आपके यहाँ पर रेड बटन स्टूडेंट डिलीट लिखा है इसे क्लिक कर देंगे तो ये डेटा आपका BEO को फॉरवर्ड हो जाएगा, और वहाँ से BEO को जब फॉरवर्ड हो जाएगा BEO वहाँ से अपनी ID से इसे डिलीट कर देंगे। तो ये तो है डिलीट करने का तरीका, हालांकि यहाँ पर हम स्टूडेंट डिलीट नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ हमने समझाने के लिए यानी कि वीडियो बनाने के लिए ये किया है। तो यहाँ से आप ये इतना समझ पाए होंगे, उम्मीद है कि इतना समझ गए होंगे। अब आपको ऐसे मान के चलिए गलती से आपसे डिलीट हो गया, कोई स्टूडेंट डिलीट आ गया तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा डिलीट,
तो इस स्थिति में आप क्या करें, उसको फिर से लाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको BEO से अपने कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और वहाँ से उन्हें बताना पड़ेगा कि इस SR नंबर का बच्चा और इस विद्यालय से, पूरा डिटेल आपको देना पड़ेगा कि ये गलती से हो गया है, इसको डिलीट नहीं करना है। तो वहाँ से डिलीट नहीं करेंगे और उसको वो सही कर देंगे। तो इस प्रकार से आप डिलीट कर सकते हैं और जो डिलीट हो गया है उसे बचा सकते हैं। तो ये तरीका था जो हमने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरी इम्पोर्टेंट लगी होगी। यदि इम्पोर्टेंट लगी है तो आप इसे अन्य शिक्षकों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा।